और क्राइम रिपोर्टर्स सीरीज में आपका स्वागत है। मैं नीचा सरोज आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। सूरत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सूरत पुलिस कमिश्नर को एक आवेदन दिया गया। सूरत के महानगर पालिका के वॉस एंड वॉस विभाग के सिक्योरिटी गार्ड मार्शल द्वारा ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद महानगर पालिका के मार्शल द्वारा एक व्यक्ति को फोन पर धमकियां दी गयी। धमकी के डर से सूरत शहर पुलिस कमिश्नर को आवेदन दिया। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ ये हुआ कि परसों 4:15 को मैंने अडाजन आनंद महल अनिपाल रोड है, उधर मैंने उस आदमी का बिना हेलमेट और चालू गाड़ी पे फ़ोन पे बात करते हुए तस्वीर निकाली थी और ये तस्वीर मैंने वायरल की। तो कल सुबह 8:36 पे मेरे में कॉल आता है और मेरे को गंदी गंदी गालियां देते हैं वो भाई, और गाली गलौज करते हैं मेरे साथ, और मेरे को मेरे परिवार को या मेरे को मारने की धमकी देते हैं, या मैं तेरे पास गुंडे भेजूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, शाम तक तेरे को बर्बाद करके रख दूंगा, ऐसी धमकियां दी। फिर मैंने मीडिया वाले का कॉन्टेक्ट किया, मीडिया में भी ये सब दिया है, और फिर मेरा नाती पाटीदार है तो उस पर भी उसने टिप्पणी की कि तुम पाटीदार लोग को ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मैं दरबार हूँ, छतरी हूँ, मेरे को जानते नहीं हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे ऐसे मेरे को धमकाया है। अच्छा, ये कितने बजे घटना हुई थी? ये घटना कल सुबह 8:36 पे मेरे में कॉल आया था, उसके बाद 2 कॉल और आए, टोटल 3 कॉल आए हैं मेरे में। क्या नाम था उनका? उसका नाम वो बता रहा है कि मेरा नाम जय बारोट है, ऐसा करके बता रहा है। अच्छा, कौन सा पुलिस स्टेशन में काम करते हैं? वो SMC का मार्शल है, SMC मार्शल है, पुलिस स्टेशन में काम नहीं करते। सूरत से मनोज वैष्णव की एक रिपोर्ट।